अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। आज कल हम वापस जा रहे हैं कराची, तो मैं और साबिर जा रहे हैं तला को बस स्टॉप पे ड्रॉप करने के लिए। और अब्दुल्ला ने भाई साहब आज फिर कॉलेज का टुल्ला मार लिया, तो अब्दुल्ला को मैंने भेज दिया मिनी जू जाके वो पेट्स वगैरह को खाना शाना खिला देगा। और मैं और साबिर जा रहे हैं तला को ड्रॉप करने के लिए बस स्टॉप पे। मिल लो भाई, ठीक है भाई? तला बहुत याद क्या आएगी, आप थोड़ी जा रहे हो। वो ये देखो क्या कर रहा है, ये चलो निकलो आप, सामान शमान रखते हैं। पापा हमें बाइक पे सामान सेट करके दे देंगे। ये बैग आगे आ गया, तला बीच में बैठ जाएगा, बैठ तला, और ये मैं पीछे बैठ जाऊंगा। चलो चलो भाई, पकड़ तला, चलते हैं भाई फटाफट से बस स्टॉप पे, और इस ब्लॉग को भी करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। बस स्टॉप तो हम लोग पहुंच गए, लेकिन हमारे साथ प्रैंक हो गया, कोच हमारे सामने से शुम करके निकल गए भाई। अब हम लोगों ने कोच वाले से बात की है, अब वापस आना पड़ेगा शाम को 5 बजे तला को छोड़ने के लिए। अभी हम लोग फिलहाल घर वापस जा रहे हैं। चल यार, सॉरी हो गई यार हमारी तो। घर वापस आ गए, खाना भी रेडी हो गया। खाने में आज मामा ने दाल बनाई है, तो खाते हुए फटाफट से अपना दोपहर का खाना छाना खा लिया। अब हम लोग जा रहे हैं अपने मिनी जू आ गए हम लोग। और भाई हमारे जो हस्की पप्पीज हैं ये तो भाई फुल खुश हो गए। दे दो अली, दो जल्दी, ब्लैक वाले को भी दो। अरे ब्लैक वाले की चैन खोल देते हैं, देखो। ओए मुझे नहीं काट लेना भाई, तेरी चैन खोल रहा हूँ। चलो भाई, इनकी चैन शैन खोल दिया, खाना छाना डाल दिया। भाई रैबिट्स भी बाहर आए हैं, टर्की बर्ड्स भी घूम रहे हैं। ओए होए होए भाई, खाली आप लोग हमारे पप्पीज का मिनी हाउस चेक करो, बहुत ही लेवल का बना हुआ है। और फ्रंट पे भी हम लोगों ने हट बना दिया है, और इसकी शीट भी लेके आए, अभी ऊपर से इसको शीट से हम लोग कवर कर देंगे। अरे ओरी को तो दे दो, बकरी भी हमारे भाई घास शास खा रही है। ओए आज नहीं किया भाई, कल इसने कैच कर लिया था। अली साथ साथ इनको ट्रेनिंग भी दे रहा है। दे दो सबको खाना छाना दे दो भाई, मोर भी इधर ही घूम रहे हैं। और ये देखो भाई हमारी एक बेलचा भी, हमारा एक बेलचा भी टूट गया है। और पपीज़ को देख लेते हैं भाई। गाइज आप लोग बताओ ना इसका हम नाम क्या रखें। ओए भाई ये तो एक सेकंड के अंदर एक पंजा खा लेती है, ये देखो। ओए 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 भाई ये तो एक सेकंड में खा लेती है। आपको पपीज़ दिखाता हूँ। अरे भाई आप मेरे ऊपर क्यों फेंक रहे हो, पता चले मेरे ऊपर ही अटैक कर दे। ओए ओए पपीज मस्त हो गए भाई, खेल रहे हैं अभी तक ना, आईज नहीं खुली है पपीज की। हम लोगों ने छत के लिए शीट मंगवा ली थी, और छत को हम लोगों ने शीट से कवर कर दिया, और छत पे एक प्यारा सा एक और हट बना दिया। और भाई बड़े ही लेवल का मिनी हाउस बन चुका है, चेक करो भाई। ओए होए होए भाई, हमारी मेहनत वाकई में रंग लेके आ गई है। अली कहाँ है, अली इधर आओ। और हम लोगों ने घास भी मंगवा लिया, तो हम लोग जो घास है ना ये हम लोग यहाँ लगा देंगे सारा, और बड़ा ही ज़बरदस्त बन जाएगा। और थोड़ी देर में हम लोग पप्पीज को भी यहाँ बिठाएंगे, और बड़ा लेवल का लगने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है भाई। अली बताओ आप कैसा बना है? बहुत अच्छा बना। गाइस आप लोग भी बताओ भाई, आप नहीं बैठ जाना भाई, पता चले प्रोग्राम बढ़ जाए। नहीं ये क्या हरकतें कर रहे हो भाई, यार मेरा तो दिल आ गया, यकीन करो। हम लोगों ने हार्ट शेप का जो बनाया ना, फर्स्ट लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा मेहनत करके दिमाग लगा के हम लोगों ने भाई ये पप्पीज के लिए मिनी हाउस बनाया। तो आप लोगों ने कमेंट्स में बताना कि कैसा बना है, और आप लोगों ने लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो यार ठोक देना भाई। जिस पप्पी के लिए हम लोगों ने मिनी हाउस बनाया वो तो यहाँ खड़ा है, ये देखो। अरे अब्दुल्ला आएगा कैसे, अब्दुल्ला भी एक पप्पी है भाई। पप्पीज का मिनी हाउस फुल रेडी हो गया भाई, चेक करो। ओए होए यार ये तो मुर्गियों ने समझ लिया कि इनके लिए घर बनाया भाई। मुर्गियों तुम्हारे लिए नहीं है ये पप्पीज के लिए भाई। ऊपर भी हम लोगों ने छत पे भी थोड़ी घास छांस लगा दी, और नीचे जो जमीन थी वहां पे भी हम लोगों ने घास छांस लगा दी। और ये देखो अली के काम चेक करो, अभी मामा ने कपड़े शपड़े पहना के भेजा था, और फिर से ये गारे में खेलने लग गया यार। सारे उल्टे उल्टे काम है, और चड्डी ला लेना भाई, हमारी जो डॉगी थी ना उसको बाहर निकाल लिया। ओए ये देखो अभी अपने बच्चे ना मुंह से उठा के अंदर ले जाएगी। उठा लिया मुंह से, आपको दिखाता हूँ उठाएगी। ओए ओए भाई वो अपनी माँ के पास जाना चाह रहे हैं भाई, मुझे देख के ना अंदर भाग गई। एक मिनट चड्डी लाल, एक मिनट, अभी देखना मुंह से उठाएगी और अंदर ले जाएगी। हम रख देंगे, वैसे रख देंगे चड्डी लाल, एक दफ़ा तो उठा के ले आना, रख के तो चेक करें पप्पीज को भाई। एक दफ़ा पप्पीज को हम वापिस यहीं पे रख देंगे, टेंशन नहीं ले भाई, टेंशन नहीं ले।
अब पपीज को हम रखते हैं यहाँ पे। चड्डी लाल ने तो भाई ऊपर वाले दरवाजे में बिठा दिया है। चड्डी लाल देख के यार गिर ना जाए ये। ओए गिर रहा चड्डी लाल, गिर ना जाए यार, गिर ना जाए। अरे भाई इतने छोटे छोटे से हैं ये, 2-3 दिन के हैं, इन पे तरस भी इतना आता है यार। अली आप गंदे गंदे काम कर रहे हो। ओए ये तो रोने लग गई भाई, अगर ये छुटकी आ गई ना ये तो हमें खा लेगी भाई। ओए आपने आज से पहले कभी भी किसी डॉगी की ऐसी आवाज नहीं सुनी होगी भाई। डॉगी रोते हैं ना तो इस तरह की आवाजें निकालते हैं। ओए एक को छत, अड़े यार छत का क्या हो गया चड्डी लाल, छत का प्रोग्राम बढ़ गया भाई। यार ये मुझे लग रहा है अली ना शरारते मरारते करेगा, ये पूरे हमारे मिनी हाउस का प्रोग्राम ना बढ़ा दे। अली कोई ऐसी हरकत नहीं करना, पता चले पूरे मिनी हाउस का प्रोग्राम आप बढ़ा दो। मिठाई अब्दुल्ला, अरे हाँ अब्दुल्ला को खिलाओ ना। चड्डी लाल जल्दी कर यार, यार वो आने की कोशिश कर रही है हमारे पास, कान भी खड़े कर लिए हैं। ओए ओए भाई डर लग रहा है हमें तो इससे। बिठा चड्डी लाल भाई, ये हैप्पी हैं, ये देखो भाई खुश हो रहे हैं, यहाँ पे मस्त हैं। ओए होए होए भाई लेवल चेक करो यार, पपीज पपीज भी खुश हो गए हैं, लेकिन इनकी माँ खुश नहीं है भाई। यार तुम्हारे बच्चों के लिए हमने इतना अच्छा घर बनाया और तू अभी भी खुश नहीं है भाई। अब आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ, देखो कितना प्यारा बेबी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये वाला चेक करो। ओए भाई इसमें से एक मोटू भी है, ये देखो ये दिखाता हूँ आपको, ये वाला दिखाता हूँ, और एक ये 5 है यार, 6 नहीं थे बेबी तो भाई, एक खा गई वो, एक खुद ही खा गई जी भाई, माँ भी खा लेती है खुद ही। अरे भाई चड्डी लाल बता रहा है एक ये खुद ही खा गई, एक तो कलर वाला था ना भाई, तो ये क्यों खा लेती है नहीं पता। अरे भाई एक बच्चे को खा लिया, अगर इनको भी खा लिया, इनको भी तो नहीं खा लेगी? नहीं क्यों, दिल कर रहा था वो सुतेला था यार, चड्डी लाल को खा लेती यार, उस बच्चे को ना खाती। अरे ये देखो ये चल भी रहा है भाई, यहाँ पे खुश हो गए भाई, फुल हरकत कर रहे हैं भाई। जी मुझे तो लगता है ये कुत्तियों ने नहीं खाया, इनकी माँ ने इस बेबी को खाया, अब्दुल्ला ने डॉगी का। अब्दुल्ला तू भी खाता है, ये हरकतें कब से स्टार्ट कर दी अब्दुल्ला ने भाई? ये पपीज का मिनी हाउस बाहर से तो बहुत प्यारा लग रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अंदर से जाके इसको देखूं। अरे टूट ना जाए यार, कहाँ चढ़ रहे हो, गिर जाओगे आप यहाँ से। अरे गिर ना जाए यार, यहाँ से कैसे जाओगे यार, ये मुझे लग रहा है अली का, मुझे पता है अली ने तोड़ना है इसको। चड्डी लाल यार सपोर्ट कर यार, ये इसके उल्टे उल्टे काम है सारे। अरे गिर नहीं जाना यार, घर की खैर है, मिनी हाउस की खैर है, दोबारा बना लेंगे, आप नहीं गिर जाना। कैसे जाओगे यार, मुझे लग रहा है अब प्रोग्राम बढ़ने लगा है, प्रोग्राम बढ़ने लगा है, प्रोग्राम बढ़ने लगा है भाई। अली चला गया फाइनली, अली मिनी हाउस के अंदर चला गया, वाओ इतना आराम से। ओए भाई चेक करो गाइस, अली मिनी हाउस के अंदर आपके लिए थोड़ी बनाया था, अंदर जाके अली भाई मुझे लग रहा है पप्पी बन गया। ये लो दिखाओ अंदर से कैसा है भाई, मेरे हाथ मिट्टी में, चलो कह रहे दिखाओ। ओए भाई गाइस ये देखो अंदर से कितना प्यारा लग रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ आप यहाँ से निकल नहीं सकते, आप अब अंदर ही रहो। अना भाई मैं डॉगी थोड़ी हूँ असली में कोई, नहीं नहीं आप अब अंदर ही रहो। ओए अली फंस गया अंदर, अब कैसे निकलोगे, चड्डी लाल नहीं निकालेगा, चड्डी लाल नीचे आ जा, चड्डी लाल। ओए मैं असली का पप्पी थोड़ी हूँ। आप असली के पप्पी हो, आपको मस्तियां करने का शौक है ना, कल भी आपने यही बोला था आइंदा के बाद नहीं करूंगा, अब इसको निकालना बहुत मुश्किल है यार, ये तो गिरने लगा है। ओए ओए घर टूटने लगा, अली हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं, पता चले अली के ऊपर ही गिर जाए यार, पकड़ो पकड़ो साबिर, पकड़ चड्डी लाल पकड़। ओए यार ये तो घर गिरने लगा है, ओए गिर ना जाए, पता चले अली का प्रोग्राम बढ़ जाए। पपीज का मिनी हाउस तो भाई गिरने वाला था, बड़ी मुश्किलों से हम लोगों ने रोका इसको, अली ने अंदर जाके ना प्रोग्राम बढ़ा देना था, अब अली को आराम आराम से हम लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, और तला जा रहा है, तला को पापा छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है भाई तला, इंशाल्लाह कराची आते हैं तो मिलते हैं इंशाल्लाह। और ये हमारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स भी हैं, कैसे हो भाई, ठीक हो, अपने पापा के साथ आए, अंकल आप कैसे हैं, ठीक है, वीडियो कब आएगी, वीडियो आएगी कल या परसों आएगी, ठीक है, ठीक है भाई तला। यार साबिर इसको निकालना है किसी तरीके से,
चड्डी लाल इधर है, चड्डी लाल यार ऊपर चढ़ो यार, इसको निकालो। चड्डी लाल और साबिर दीवार पे चढ़ गए। अली अपने हाथ ऊपर करो, आराम से यार, आराम आराम से खींचना। चलो खींचो खींचो खींचो। फाइनली अली को निकाल लिया भाई पपीज के मिनी हाउस से। अब नीचे आ जाओ। हाँ ना, करना पड़ा आपको रेस्क्यू, वरना आप यहीं पे आपको रात को यहीं सोना पड़ता। वैसे चैलेंज बना सकते थे, लिविंग 24 आवर इन पपीज मिनी हाउस। गिरना नहीं भाई, आराम से उतर जाओ, नीचे उतर जाओ। अली की पूरी शर्ट गारे में भर गई थी, तो अली की भाई हम लोगों ने शर्ट चेंज करवाई, और अली जितनी तो भाई शर्ट ही है, इतनी बड़ी शर्ट पहन ली है और फुल अली झल्ला लग रहा है इस टाइम। और हमारा जो मोर है ना वो दीवार पे चढ़ गया। अली आराम से चढ़ो, उतारो किसी तरीके से मोर को, जल्दी आराम आराम से, गिर नहीं जाना, आराम से उतारो उतारो उतारो। अरे ये आगे कहीं ना चला जाए, आराम से आराम से। इसकी टांग पकड़ लेना और छोड़ना नहीं, फिर पकड़ लो। ओए पकड़ ली पकड़ ली, छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं। ओए चोट लग गई। फाइनली अली ने पकड़ लिया भाई। ओए किस तरह की आवाज़ निकाली, पॉप जैसे, ऐसा लगा बाजा बजाए। तो भाई इनको पकड़ के बंद कर देते हैं, आ जाओ, अंधेरा हो गया है। ओए मोर 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 मोर, ओए खुद ही बंद हो गया भाई। चलो भाई बंद कर देते हैं। और हम लोगों ने पप्पीज़ के लिए घर बनाया था मिनी हाउस, लेकिन इसमें रैबिट्स और मुर्गियां आके खेल रही हैं। अभी पप्पीज़ 3-4 दिन के हैं, जब 10-12 दिन के हो जाएंगे पप्पीज़ तो वो खुद ही इस घर में आके खेला करेंगे। चलो अब्दुल्ला बंद कर दो, सारे पेट्स को बंद कर देते हैं, डक को भी बंद कर देते हैं। और डक भाई हमारी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई है। और अभी हम लोग भाई जाएंगे, आप लोगों को जैसा का पता है। ओए ये मुझे बुला रहे हैं हंस की पप्पीज़, कैसे हो भाई, खाना शाना तो तुमने खा लिया ना? अरे हाँ रॉकी, अभी खेल रहे हैं, देखो कैसे खेल रहे हैं भाई रॉकी। अली के साथ तो भाई बहुत मस्त हो गए खेलते हैं। अली चलो घर चलो, हमने घर जाके रेडी शेडी होना है। अब्दुल्ला को मैं यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है? और हम लोग जा रहे हैं फल। अरे भाई बोलने दो यार, मुझे बोलने दो। ये लोग पता है क्या बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग ब्लॉग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई आप लोग सब्सक्राइब कर दो, देखो हमारे पप्पीज भी बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कर दो। और सीन ऐसा है कि अभी हम लोग घर जा रहे हैं, घर जाके रेडी शेडी होते हैं और हम लोग निकलेंगे थल जीप रैली के लिए। थल में एक बहुत बड़ी जीप रैली हो रही है जिसमें जीप्स की रेस वगैरह लगती है और बहुत मजा आने वाला है, हम लोग वहां जाएंगे। थल मुल्तान में है ना, तो मुल्तान की पट मार्केट ना चले। हाँ ये हो सकता है मुल्तान में नहीं है। नहीं भाई अब्दुल्ला ने कॉलेज जाना होता है और पीछे घर पे भी कोई नहीं है, तो फिर इसलिए हम लोग अब्दुल्ला को घर पे छोड़ के, मैं छुट्टियां कर रहा हूँ। नहीं नहीं भाई हम लोग अब्दुल्ला को लेके नहीं जा रहे, और हम लोग जाएंगे अभी घर जाके रेडी शेडी होते हैं। रेडी शेडी होकर डायरेक्ट हम लोग निकलेंगे थर जीप रैली के लिए। कब तक आएंगे दोबारा घर? हम लोग 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे, बस जीप रैली देखेंगे और वहां से अगर पेट्स मार्केट अगर करीब पड़ी मुल्तान वाली तो हम वहां चले जाएंगे और फिर वहां से हम लोग डायरेक्ट घर आ जाएंगे। वहां से कोई पेट नहीं लेंगे? ले लेंगे। चलो चलो मेरी मर्जी से लेंगे। चलो ठीक है, चलो चलो घर आ गए थे। घर आ गए, मैंने काम शाम कंप्लीट किया, एडिटिंग शेडिटिंग की, और आज भी भाई जिम की छुट्टी हो गई क्योंकि हम लोगों ने जाना है थल जीप रैली में। तो भाई खाना भी रेडी हो गया, खाने में मामा ने आज मटन और आलू का शोरबे वाला सालन बनाया, तो खाते हैं भाई फटाफट से अपना रात का खाना खा लिया था। खाना खा के मैं रेडी शेडी हुआ, उसके बाद हम लोग मिनी जू आ गए और तकरीबन रात के 10 बज रहे हैं। हम लोग अभी कार निकाल रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं थल जीप रैली के लिए, और तकरीबन सुबह 4 या 5 बजे हम लोग वहाँ थल पहुँचेंगे और जीप रैली देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन सीन ऐसा भाई, सर्दियाँ आ गई हैं, आप लोगों को पता है रास्ते में धुंध भी होगी तो थोड़ी परेशानी हो सकती है हम लोगों को रास्ते में। और हमारे साथ मामू जा रहे हैं, क्या हाल है मामू? ठीक हो? पापा जा रहे हैं, अली जा रहा है और मैं जा रहा हूँ। अब्दुल्ला को हम लोग यहीं छोड़ के जा रहे हैं ताकि अब्दुल्ला भाई यहाँ पे मिनी जू में पेट्स वगैरह की केयर शेयर कर ले। तो निकलते हैं भाई फटाफट से और आप लोगों को दिखाता हूँ। भाई सर्दी बहुत ज़्यादा है तो हम लोगों ने ना अपनी कार के अंदर इंतज़ाम कर लिया, एक ब्लैंकेट रख लिया है, साथ में तकिए शकिए रख लिए हैं। रात हो रही है ताकि हम लोग थोड़ी देर कार में ही रेस्ट भी कर लें। निकलते हैं भाई फटाफट से और सफ़र की दुआ भी पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाह जी सखर अल्ला हाजा व माकुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून सदकल्लाहुल अज़ीम आमीन। चलो भाई अली आपका तो इंतज़ाम हुआ भाई, मस्त हो गया, आप सो जाओगे? आप भी सो जाओगे जी, रात में कुछ नहीं पता चलता। टोन अली तो मिनी जू से घर जाके सो गया था और भाई मैं काम शाम कर रहा था, एडिटिंग शेडिटिंग कर रहा था और अब मुझे आ रही है नींद। तो भाई बिस्तर शिस्तर तो लगाया भाई, तो मैं लेट रहा हूँ भाई और सो रहा हूँ। ठीक है भाई अली आप इंजॉय करो और मैं तो लगाऊं मस्त हो गया सोने। ओए 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 अलग ही चस आएगी भाई कार में सोने की, भाई आपको मैं याद दो तक। चलो भाई
और गाइस इस व्लॉग को भी यहीं से एंड कर रहा हूँ। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा और कल का व्लॉग तो आप लोगों ने जरूर देखना है, क्योंकि भाई कल के व्लॉग में आप लोगों को आने वाला बहुत ज़्यादा मज़ा। तो आप लोग लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि हमारा हर न्यू आने वाला व्लॉग सबसे पहले आप लोग देख सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।